नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं बेबाक बात। आज फिर बात कमलनाथ एंड कंपनी की। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान मध्य प्रदेश में ब्लैक मनी का बड़ा खेल खेला गया, या यूं कहें कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ तो गलत नहीं होगा। कमलनाथ के करीबियों के यहां पड़े आयकर छापे और सीबीडीटी की 904 पन्ने की रिपोर्ट में 50 से ज़्यादा बड़े नेताओं, आधा दर्जन अफसरों और कई कारोबारियों के नामों का खुलासा हुआ है। अब आप भी समझिए कि सत्ता से बाहर रहते शिवराज सिंह चौहान क्यों कहते थे कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मंत्रालय वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया है। हालांकि इस मामले की तह तक जाकर जो नाम सामने आए हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई करना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन से पहले जो नेता कांग्रेस के पाले में मलाई चाट रहे थे उनमें से कई अब बीजेपी सरकार के साथ हैं। और यही सबसे बड़ा पेंच है कि जो कांग्रेस के राज में गलत थे वे बीजेपी के राज में सही कैसे हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ब्लैक मनी के लेन देन के मामले में सीबीडीटी की जांच रिपोर्ट जब मध्य प्रदेश के मंत्रालय वल्लभ भवन पहुंची तो हर कोई इसे पढ़ना चाहता था। तमाम नेता और अफसर ये जानने के लिए उतावले थे कहीं इसमें उनका नाम तो नहीं है। इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ना शुरू किया था जब चुनाव आयोग ने 3 आईपीएस अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन के बेनामी लेन देन के मामले में 904 पेज की रिपोर्ट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तैयार कर चुनाव आयोग को सौंपी। यह सीलबंद रिपोर्ट गुरुवार को मध्य प्रदेश पहुंची। 2 अफसर दिल्ली से इसे लेकर आए। इस रिपोर्ट के आधार पर एडीजी रैंक के आईपीएस अफसर सुशोभन बनर्जी, वी मधुकुमार, संजय माने और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर है पुलिस अफसरों के खिलाफ मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 और उपधारा के तहत भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। अप्रैल 2019 में आयकर विभाग ने भोपाल, इंदौर और दिल्ली में 52 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के पूर्व सलाहकार आर के मिगलानी, ओएसडी कक्कड़, इंदौर के हवाला कारोबारी ललित कुमार, एनजीओ से जुड़े अश्विनी शर्मा, प्रतीक जोशी और हिमांशु शर्मा के ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी और ब्लैक मनी से जुड़े इस मामले का खुलासा हुआ था। आयकर विभाग के छापे की रिपोर्ट में ट्रांसफर और पोस्टिंग में लेन देन के बड़े सबूत सामने आए। इस मामले में हवाला कारोबारी ललित चालानी के लैपटॉप से खुलासा हुआ कि कुल 287 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ, जिसमें से 130 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए, 156 करोड़ से ज़्यादा अभी भी उनके पास हैं। इस रिपोर्ट के कई पन्नों का दखल न्यूज़ ने अध्ययन किया तो पाया कि कमलनाथ के राज में चंदा और तबादले को एक धंधे की तरह इस्तेमाल किया गया। 4 पुलिस अफसरों के अलावा इसमें उन नेताओं की फेरिस्त भी है जो पैसे के इस लेन देन में शामिल रहे। रिपोर्ट के पन्नों की माने तो नेताओं में दिग्विजय सिंह, रणदीप, अजय सिंह, कंप्यूटर बाबा, शाद अहमदाबादी, योगेश राठौर, अभिषेक मिश्रा, फुंदेलाल मार्को, विजय राघवेंद्र सिंह, ओमकार सिंह मरकाम, नारायण पट्टा, योगेन बाबा, डॉक्टर अशोक मस्कोले, अर्जुन काकोदिया, संजय उइके, ब्रह्मा भलावी, भूपेन मरावी, सज्जन सिंह, बाबू जंडेल, वैद्यनाथ कुशवाहा, प्रवीण पाठक, घनश्याम सिंह, गोपाल सिंह चौहान, तनवर लोधी, नीरज दीक्षित, विक्रम सिंह नातीराजा, शिवदयाल बागरी, सिद्धार्थ कुशवाहा, संजय यादव, शशांक भार्गव, आरिफ मसूद, गोवर्धन सिंह दांगी, बापू सिंह तोमर, महेश परमार, राजेश कुमार सपा, राणा विक्रम सिंह, देवेंद्र पटेल, रामलाल मालवी, मुरली मोरवाल, झूमा सोलंकी, सचिन बिरला, रवि रमेशचंद जोशी, केदार चिड़ाभाई डावर, ग्यारसी लाल रावत, चंद्रभागा किराड़े, मुकेश रावत पटेल, कलावती भूरिया, बाल सिंह मीणा, प्रताप ग्रेवाल, पंचीलाल मीणा, हर्ष विजय सिंह गहलोत, आर के एम, कमल मरावी, प्रमिला सिंह, मधु भगत, देवाशीष जरारिया, शशि कर्णावत, शैलेन्द्र सिंह दीवान, कविता नातीराजा, मुकेश श्रीवास्तव, ब्रजेश पटेल,
बिरला, लोधा, मीनाक्षी नटराजन, वीर सिंह भूरिया आदि के नाम हैं। इस सूची में कांग्रेस दिग्गज दिग्विजय सिंह सहित 64 लोगों से लेन देन का हिसाब किताब है। इसमें वे कांग्रेस नेता भी हैं जो उस समय कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में थे, लेकिन अब बीजेपी की शिवराज सरकार के साथ हैं। इनमें बिसाऊलाल सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ऐदल सिंह कंशाना, गिरिराज दंदौटिया, रणवीर सिंह जाटव, कमलेश जाटव, रक्षा संतराम सिरोनिया, प्रद्युम्न सिंह लोधी, राहुल लोधी, नारायण सिंह पटेल, सुमित्रा देवी, कासितकर, मनोज चौधरी, रामबाई और संजीव सिंह कुशवाहा के नाम इस सूची में हैं। आईटी की रिपोर्ट में राज्य सरकार के मंत्री बिसाऊलाल सिंह के नाम से पैसा प्राप्त करने का एक स्क्रीनशॉट भी चस्पा है ताकि सनद रहे। इन सभी नामों के साथ दी या ली गई रकम का भी जिक्र है। कोई भी राशि लाखों से कम में नहीं है। लेन देन का ये सारा हिसाब 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग की रिपोर्ट के पन्ने बताते हैं कि मध्य प्रदेश से पैसा इकट्ठा कर कैसे दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय तक भेजा गया, हर चीज का ब्यौरा इसमें दर्ज है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उनकी टीम अधिकांश लोगों को संदेह की नज़र से देखा करती थी। मंत्रालय तक में मीडिया का प्रवेश सीमित कर दिया गया था। इस जांच के जैसे जैसे पन्ने सामने आते जाएंगे, राजनीति का दागदार चेहरा भी सबके सामने आता जाएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए दखल न्यूज। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।